मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, मेरी वाइफ का नाम मालती सिंह है। मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब रहती थी, इनको गैस की दिक्कत रहती थी। जैसे खाना खाती थी, खाना खाने के बाद लेटती थी तो रात में उल्टियां जरूर होती थी दो चार। पर डॉगी गैस्ट्रो गई हैं, उन्होंने फिर इंडोस्कोपी किया। इंडोस्कोपी करने के बाद उन्हें कुछ डाउट लगा तो कहने लगे कि एक वेरियन सोलो और करवा लीजिए। फिर वेरियन सोलो करवाया तो दोनों की हिस्ट्री एक आई। उनका कहना बिल्कुल रियल रहा, मतलब जो भी जहाँ बिल्कुल सही रहा। फिर उन्होंने एक जाँच और लिखी, कहने लगे यार इसमें जो है, उन्होंने हमें बल्कि दिखाया पूरा उसमें लैपटॉप में सारी हिस्ट्री पूरी कि इसमें ऐसे ऐसे देखो ये यहाँ रुक रहा है, ये ऐसे रुक रहा है, इसको आप जो है ऐसे करेंगे। पहले तीन तरह की विधियां बताई उन्होंने कि पहले सर्जरी होती थी बैलून द्वारा, फिर दूसरी सर्जरी होती थी पेट खोलकर, तीसरी अब नई सर्जरी आई है वो है पोयम। पोयम सर्जरी बहुत ही बढ़िया, जैसे पोयम बहुत ही बढ़िया सर्जरी है पोयम। कल से देख रहे हैं, मतलब हम जब से सर्जरी हुई है उसके बाद से वाइफ को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मतलब बढ़िया वो है, आराम ही है, समझिए बहुत रिलीव है, बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई। पोयम सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं है, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत अच्छे भाई, यहाँ के वर्कर भी बहुत बढ़िया हैं, डॉक्टर साहब तो दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब का तो कुछ जवाब ही नहीं, डॉक्टर मनीष कॉक जी और उनकी वाइफ एनेस्थेसिस्ट हैं, उनका तो जवाब ही नहीं, दोनों लोगों का बहुत ही बढ़िया नेचर दोनों लोगों का। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे एक बढ़िया प्रोसीजर, जो नया प्रोसीजर आया है, टेक्निक आया एंडोस्कोपी की, जिसको बोलते हैं थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी। तो ये थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी क्या है, क्यों किया जाता है और इससे मरीज को क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में अपने एक हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जो अभी एक केस हुआ पेशेंट को, जिसको हमने ट्रीट किया थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी के द्वारा, पोयम प्रोसीजर के द्वारा, उसकी भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक लेडी हमारे पास आई जो कि 42 ईयर्स ओल्ड की है, उनकी एज है, और वो दिक्कत लेके आई कि उनको कई महीनों से जब वो खाना खाती हैं तो वो अटकता है, रुकता है, मतलब फूड पाइप में जब वो खाना स्वेलो करती है वो रुकता है। अब उसके क्या कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, फूड पाइप सिकुड़ जाती है कभी किसी बीमारी के कारण, कभी किसी इंजुरी के कारण। उसके लिए हम एक सिंपल टेस्ट एंडोस्कोपी करते हैं। तो एंडोस्कोपी में हमने पाया कि उनका जो फूड पाइप का जो वैल्व है वो खुलता नहीं है, वो टाइट हो गया है, उधर का मसल श्रिंक हो गया है, उसके कारण वो जो भी खाना खाएंगी फूड पाइप में ही पड़ा रहेगा और जब भी वो लेटेगी तो वो बैक आएगा, वापस आएगा। तो यही उनके साथ हो रहा था, एक तो खाना उतरता नहीं था और लेटने पे, क्योंकि वो सारा खाना फूड पाइप में ही रहता था, वो बैक मारता था। तो उनका हमने डायग्नोसिस किया, फिर बेरियम टेस्ट किया और एक प्रेशर टेस्ट होता है जिसको मैनोमेट्री बोलते हैं, उसमें निकल के आया एक अक्लेशा कार्डिया करके बीमारी होती है, जिसमें जो फूड पाइप का मसल है वो कंट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है और खाने को आगे नहीं जाना देता। अब उसमें क्या तरीका क्या है ठीक करने का, एक तरीका है हम अंदर एक बैलून डालते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा, उसको फुला देते हैं। उसका फ़ायदा यह है कि रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन वो बार बार का प्रॉब्लम है, महीने, दो महीने, तीन महीने बाद हर बार मरीज़ को हम वो बैलून डालते हैं, वो खुल जाता है, फिर वो अपनी जगह ले लेता है। तो इसका ये नुकसान है कि एक तो बार बार करना पड़ता है और दूसरा बैलून खोलते समय कभी वो फूड पाइप फट भी सकता है, उसको परफोरेशन बोलते हैं। तो वो पहले होता था लेकिन अब वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसके ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा तरीका है लेप्रोस्कोपी करके या पेट खोल के फूड पाइप को बाहर से पेट खोल के अंदर चला जाए और सर्जरी करके वो मसल को हम काटते हैं, वो भी पहले कई बार होता था या अभी भी बीच में होता है। अब जो नया टेक्निक है उसको थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी बोलते हैं या पोयम बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है, मुँह के द्वारा, एंडोस्कोपी के द्वारा ही फूड पाइप में थोड़ी जगह बना के एक टनल, एक रास्ता बनाया जाता है और जहाँ पे वो मसल टाइट है उसको एंडोस्कोपी के द्वारा, मतलब मुंह के द्वारा ही उस मसल जो टाइट है उसको खोला जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जहाँ पे वो खाना रुकता था, जहाँ वो मसल टाइट था, वो खाना आगे बढ़ता है और इसमें कोई स्टिच नहीं लगता, पेट नहीं खोलना पड़ता और मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्लड लॉस नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और अगले दिन ही मरीज़ अपना खाना पीना चालू कर सकता है, 24 घंटे में डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इसको मिनिमल एक्सेस बोलते हैं, मतलब जिसमें हमने मरीज़ के साथ मिनिमम काम किया, मुंह के रास्ते को प्रयोग किया, नेचुरल ऑरिफिस को प्रयोग किया और अंदर से ही वो रास्ता खोला और अंदर से ही बाहर आ गए। तो जो हमारे मरीज़ हैं, अगर आपने इसमें वीडियो में देखा होगा, वो अभी बिल्कुल सही हैं, ना उनको कोई पेन है, ना कोई दर्द है, ना कोई उल्टी, ना बुखार, सब बढ़िया है, ऐसे लगता कुछ हुआ ही नहीं है। और उनका हमने 24 घंटे के बाद जैसे ही पानी वानी चालू किया वो आराम से उतर गया, मतलब वो रास्ता खुल गया है। तो माय फ्रेंड्स, ये नई टेक्निक है जिसको थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी बोलते हैं। इसके द्वारा स्टोमक के कुछ छोटे ट्यूमर हो, जिसको अर्ली कैंसर बोलते हैं, या इंटेस्टाइन में छोटे ट्यूमर हो, वो निकाले जाते हैं
ESD एंडोस्कोपिक सब म्यूकोसल डिसेक्शन के द्वारा या EMR एंडोस्कोपिक म्यूकोसल डिसेक्शन के द्वारा, मतलब ऐसे कोई ट्यूमर्स, ऐसी कोई गांठें जो पहले पेट खोल के, छाती खोल के, फूड पाइप खोल के निकालनी पड़ती थी या बड़ी आंत को खोल के करना पड़ता था, वो अब एंडोस्कोपी के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अर्ली कैंसर है, अर्ली ट्यूमर्स हैं, इसी तरीके से मुंह के रास्ते के द्वारा या लैटिन के रास्ते के द्वारा कैमरा डाल के वहाँ पे एक जगह बनाते हैं, मसल के ऊपर जाते हैं और उस गांठ को निकालते हैं। बाहर से कोई स्टिच नहीं होता, बाहर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी और ये हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, मणिपाल हॉस्पिटल में। तो कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।